अस्सलाम वालेकुम जी वेलकम बैक टू माय चैनल कैसे हैं आप सब आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे इन प्यारे प्यारे फूलों की तरह आप भी हंसते मुस्कुराते अपनी ज़िंदगी में होश बाश होंगे इन और मेरे सुबह का आगाज़ हो चुका था बच्चों को स्कूल छोड़ने से और उसके बाद जो है इन प्यारे प्यारे, प्यारे फूलों को देखा मैंने छोटी सी वीडियो ऐड की और मैंने कहा कि वीडियो के यूट्यूब के जो भी है मेरा उसमें भी मैं इसको ज़रूर ऐड करूँगी उसके बाद ही हमें नज़र आ गया प्यारा सा स्नेल हाथों ने लगाती इसको मैं मुझे बहुत इसे डर लगता है लेकिन ये लगता है मुझे बहुत प्यारे हैं तो मैं इनकी वीडियो हर बार बना लेती हूँ और आजकल ना मेरा फोकस फुल इन्हीं पर ही होता है मैं स्कूल छोड़ने के लिए जाती हूँ मुनीजा को तो मैं दीवारों के ऊपर ना यही जानकती रहती हूँ कि कहाँ मुझे स्नेल नज़र आ जाए तो अब मैं हर रोज़ ना दो से तीन चार स्नेल बल्कि पूरी फैमिली को ही देखती हूँ इनकी पूरी फैमिली होती है स्नेल्स की मुझे जो है ना बहुत अच्छे लगते हैं और बेटे को भी बहुत अच्छे बल्कि हम तीनों को ही ना बहुत अच्छे लगते हैं उसके बाद मैं घर आई और अभी नाश्ता वगैरह करके ही बैठी थी कि हमारी आ गई पार्सल और हस्बैंड जो है ना आज घर से ही काम करेंगे ऑनलाइन उनका बुध बाले दिन होता है तो बस मैंने कहा पार्सल आप ही रिसीव करें असल में ना लास्ट वीक आपने देखा था ना कि यूँ कि मैं अच्छी खासी गर्मी स्टार्ट हो गई थी तो हम लोगों ने जब पंखे वगैरह ऑर्डर कर दिए थे हमारे पास पंखे नहीं थे तो हमने पंखे क्या बल्कि एसी सी ऑर्डर कर दिए थे मेरे हस्बैंड ने और अब जो है ठंडा हो गया दोबारा से मौसम लेकिन हैर पार्सल तो मंगवा ली थी इसको रिसीव तो करना ही था तो अभी बस जो है वो बंदा लेके आ रहा था और जो हस्बैंड जो है उसका वेट कर रहे थे क्योंकि इस तरह की जो भी चीज़ होती है ना उसको साइनअप करना होता है साइन करने के बाद ही आप ओके okay करते हो कि हाँ भाई पार्सल ठीक है और जो है उसको फिर आप बाद जो है आप इसको रिसीव कर सकते हो तो अभी हस्बैंड और बेटा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थे और खुश भी थे कि जिन्हें पार्सल आ गई है शुक्र है और मैं छुप छुप के इनकी वीडियो बना रही थी अच्छा अभी ना जैन को भी नज़र आ गई थी तो ये इस वजह से शो भी मचा रहा था लेकिन इसका दिल भी नहीं कर रहा था कि वो अंदर आए इन इस को लेकर तो यहाँ पे ये अपने डैडी की हेल्प कर रहा था और देख ही सकते हैं साथ साथ डर भी रहा था तो यहाँ पे जो है हम लोगों ने अमेज़न से ये पंखे ऐसे ही ऑर्डर किए हैं और इनके प्राइस क्या है चार सौ के आस पास ही है फिर आप लोग पूछेंगे तो मैंने कहा साथ ही बता देती हूँ तो इसको असेंबल किया हस्बैंड ने असेंबल तो पहले ही हुआ हुआ था लेकिन ये था कि इसके सारा चेकअप करना होता है कि चीज़ ठीक भी है ये नहीं तो इसके नीचे वाले बॉक्स में पानी डालना होता है और उसके बाद जो है आपको इसके ऑन करना होता है तो ऑन करने का कर यही होता है कि बहुत मैं तो ये कहूंगी बहुत 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 ज्यादा अच्छा है बहुत ज़्यादा ठंडा कर रहा था, 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 था। आजकल क्योंकि सर्दी है ना तो हमने चेक तो किया पूरा रूम ही ठंडा हो गया है यहां पे जो है इसको इसके अंदर जो है ना आपने पानी डालना होता है उसके बाद इसको ऑन करके बस सो जाना होता है ये अच्छा खासा आप ना गर्मी से सेव कर लेता है तो आप लोगों की तरह किस किसने जो है स्टार्ट कर दिया है मैंने देखा है कि आजकल ना लोग गार्डन के चीज़ें बाई कर रहे हैं गार्डन में बैठने के लिए अपने जो है ना गार्डन को साफ़ सुथरा करवा रहे हैं और ग्रास वगैरह कटवा रहे हैं कुछ लोग जो है आर्टिफिशियल ग्रास बाय कर रहे हैं कुछ फर्नीचर जो है फर गार्डन का वो बाय कर रहे हैं कोई पौधे बाय कर रहे हैं कोई क्या कोई क्या, क्या। और हम लोग जो है अभी गार्डन की तरफ गए ही नहीं हैं प्लान तो हमारा है कि इंशाल्लाह इस वीक जल्दी से जल्दी हम इसको साफ़ करवाएंगे गार्डन को लेकिन अभी इससे पहले जो है ना अंदर की चीज़ें पूरी करनी है जैसे कि ये ए सी वगैरह और उसके बाद जो है हसबैंड मेरे अगले दिन लेके आए थे ये ग्रोसरी तो उसका भी क्लिप था मेरे पास इतने हमारी जो ग्रोसरी है ना वो वीकली ग्रोसरी बहुत ही कम होती है अगर हम ऊटाँग की चीज़ें ना लेना तो हमारा जो बजट है ना वो आउट नहीं होता इस बार हसबैंड जो है अकेले ही गए थे ग्रोसरी करने और फोटी पाउंड के करीब करीब हमारी सारी वो चीज़ें आ गई थी जो हमें वीक में ज़रूरत होती हैं इसमें जस्ट जस जो है इस तरह की चीज़ें जो भी दिखा रही हूँ मैं आपको इसमें अभी जो फ़्रेश चीज़ें होती है ना जैसे सब्जियां और मीट वग़ैरह वो शामिल नहीं है तो अगर वो भी ऐड करें तो हमारा फिफ्टी पाउंड का एक वीक का हो जाता है बड़े आराम से जोगर्ट जो है मैं हर बार मंगवा लेती हूँ कभी कड़ी वगैरह बनानी पड़ती है उसके बाद जो है चटनी चाट और बच्चे भी कभी खा लेते हैं तो इस वजह से जोगर्ट मेरे वीकली ग्रोस में लाजमी आता है ब्रेड जो है हम लोग वाइट वाले खाते हैं और अंडे भी ये जो ब्राउन वाले हैं ना हम ये खाते हैं और जूस वगैरह हमारे मेरे बच्चे जो है वैसे भी लाइक करते हैं अभी आ गई हैं गर्मियाँ तो गर्मी की वजह से और भी ज़्यादा ये पिया जाएगा जूस तो इस वजह से हम तीन बोतल्स लेके आए हैं लेकिन अभी आ, कभी कभी हम लोग ना सिर्फ दो लेके आते होते हैं तो वीक हमारा आराम से गुजर जाता है तो अभी मैंने यहाँ पर स्पीड तेज़ करके आ, जो जितनी भी ग्रोसरी है ना उसको अपनी अपनी जगह पर रखना स्टार्ट कर दिया है क्योंकि अगर मैं स्पीड स्लो करती ना तो बहुत टाइम लग जाना था और शायद एक दो घंटे भी लग जाने थे आहिस्ता आहिस्ता होता है सारा काम मैं आपको अपने ग्रोसरी के हवाले से बहुत सारे वीडियोस में दिखा चुकी हूँ और ये भी बता चुकी हूँ कि आप किस तरह से बजट सेव कर सकते हैं अपना अपने, अपने बजट को लेकर अपनी सारी ग्रोसरी को भी कर सकते हैं आप नज़र रखा करें कब कौन सी चीज़ सस्ती है तो आप वो चीज़ लेकर रख लिया करें जैसे मैं करती हूँ जब देखती हूँ कि कोई चीज़ अच्छी मिल रही है तो मैं फिर बाई कर लेती हूँ अगर मेरा जो बजट है ना वो इजाज़त दे तब अच्छा जहाँ पर आप टेस्को आजडा एल इन जगहों से शॉपिंग किया करें और ये इन चीज़ों में ना कलियर सेक्शन भी होता है जो कि फ़्रेश चीज़ों पर भी होता है कपड़ों वगैरह पर तो होता ही है लेकिन जो फ्रेश चीज़ें होती हैं ना ग्रोसरी वगैरह उन पर भी होता है न, वे वे तो वहाँ से भी काफ़ी चीज़ें अच्छी मिल जाती हैं तो मैंने सोचा मैं आपको भी बता दूँ कि जिस तरह के मैं अपना बजट लेकर चलती हूँ और मेरा बजट आउट नहीं होता आप भी वो चीज़ें वो टिप्स फॉलो कर सकते हैं टेस्को आजा एल डी और लीडल ये चार जो स्टोर हैं ना ये बहुत ज़्यादा अच्छे हैं बजट फ्रेंडली भी हैं और प्राइस का भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है ज़्यादातर उनका सेम ही होता है और एक और मज़े की बात इनकी ये होती है कि जहाँ पर पॉइंट्स भी मिलते हैं आपको अगर आप हंड्रेड पाउंड की ग्रोसरी करते हो तो उसके बाद कुछ ना कुछ आपको पॉइंट्स मिलते हैं जो कि आप अगली ग्रोसरी में आप उनको यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास गाड़ी है तो उसका पेट्रोल या डीजल इस तरह की चीज़ों में भी उसको उन पॉइंट्स को आप यूज़ कर सकते हो अदरवाइज़ आप नेक्स्ट जो ग्रोसरी होती है ना उनमें उस उन पॉइंट्स को यूज़ कर सकते हो तो हमारी ग्रोसरी कितनी होती है वो भी मैंने आपको बताया है और ये भी बताया है कि मैं अपने बजट को कैसे कंट्रोल करती हूँ मैं ऊट प्रांग की चीज़ें कभी कभी हो जाता है इंसान ले लेता है लेकिन ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसी चीज़ें ना ली जाएँ जो कि पड़ी ही रहें और एक्स्ट्रा चीजें बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए जो आपके किचन को भी बर्बाद कर दें यानी किचन में पड़ी ही रहे और जो है आपका बजट भी उससे आउट हो जाए तो ऐसी चीजें मत लिया करें हमेशा लिस्ट बना के रखा करें जो चीजें चाहिए हों बस वो ही लिया करें और अगर आपको कोई चीज़ सेल में मिल रही हो ना तो उसको बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए सेल में चीज़ लेना कोई बुरी बात नहीं होती है एशियन लोग या घोरे हर बंदा सेल का वेट करता है और सेल में चीज़ें लेना कोई गलत बात नहीं है हर कोई लेता है तो सेल का वेट किया करें सेल पर नज़र रखा करें और एक दूसरे को भी बताया करें कि आजकल क्या चीज़ सेल में चल रही है तो इस तरह एक दूसरे की हेल्प हो जाती है यहाँ पे जो है शुगर मेरी थोड़ी सी रह गई थी तो मैंने कहा हस्बैंड से लेके आना तो वो बड़ा ही बॉक्स लेके आ गए थे अदरवाइज जो छोटा लेके आते हैं तो इस डिब्बे में ना पूरा ही आ जाता है लेकिन ये बड़ा था तो ये आधे से थोड़ा ज़्यादा अंदर डाल चुकी हूँ मैं अभी बेरहता रहता भी है तो चले अच्छा जो भी लोग दूध इस्तेमाल करते हैं और एशियन शॉप से लेते हैं मैं उनसे यही कहूँगी कि एशियन शॉप से थोड़ा सा महंगा मिलता है ये टेस्को और आजरा की बॉटल होती है ना ये थोड़ी सी बड़ी होती है साइज़ में भी और प्राइस में भी थोड़ी कम होती है और बिल्कुल इनमें कोई स्मेल नहीं होती अक्सर जो है मैं पहले लेके आती होती थी एशियन शॉप से वो थोड़ी सी महंगी भी होती थी और उसमें कुछ दिन बाद ना स्मेल सी भी हो जाती तो बच्चों को पीने में थोड़ा सा मसला हुआ करता था तो अब जब से मैं एशियन शॉप को छोड़ के टेस्को आजरा से दूध लेती हूँ ना तो वो अगर पूरा वीक भी बोतल निकले ना तो तब भी उसमें स्मेल नहीं होती। तो आप लोग भी एशियन शॉप से कम ही चीज़ें बाई किया करें इस तरह की ज्यादातर जो फ्रेश चीज़ें होती हैं ना वो आप चलें धनिया पुदीना सब्जी और आलू प्याज और फ्रूट वगैरह ये आप एशियन शॉप से कर लें और जो ये जो, जो ब्रेड अंडे दूध चीनी शुगर और पत्ती चीनी ये जो चीज़ें होती हैं ना ये आप टेस्कोव एल से ही लिया करें वहां से आपको चीपेस्ट पड़ती हैं अच्छा जी यहाँ पे जो है हमारी शाम की चाय का टाइम हो चुका था हस्बैंड जब आते हैं तो हम लोग शाम की चाय पीते हैं शायद मैंने आपको कई बार पहले भी बताया है चाय जो है हम लोग साथ पीते हैं ये हमारा फैमिली टाइम होता है हम लोग साथ में जो है बातें भी करते हैं और एक दूसरे को बताते हैं कि हमने दिन भर क्या किया क्या नहीं किया तो यहाँ पर अभी जो हमने शाम का खाना खाया था वो भी बर्तन अभी पड़े हुए थे क्योंकि शाम की चाय ना ये एक बहाना होता है पूरी फैमिली का इकट्ठे बैठना एक दूसरे बैठ के साथ अपने प्रॉब्लम्स बातें शेयर करना दिन भर में क्या किया क्या नहीं किया ये एक बहाना होता है मेरे ख्याल में जिस तरह हम पाकिस्तान में सब इकट्ठे फैमिली बैठ के बातें करते थे ना बस सेम वही उसी तरह से हम लोग जहाँ पर भी करते हैं और ये एक तरीकाकार होता है अपने एक रूटीन होती है जिसमें आप इकट्ठे बैठते हो बातें करते हो और ये सब कुछ तो बस यहाँ पे जो है मेरी चाय भी तकरीबन रेडी हो चुकी थी और उसके साथ जो है मैंने गर्म करने हैं समोसे तो बस यही था मेरा आज का वीलॉग आई होप कि आप सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा मोटिवेशनल लगा होगा अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा अपने दुआओं में मुझे याद रखिएगा और प्लीज़ 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 वीडियो को फुल वॉच किया करें बहुत सारे लोग जो है कमेंट भी कर देते हैं और ये शो भी कर देते हैं कि उन्होंने वीडियो देखी है हालांकि हमें पता चल जाता है कि वीडियो को स्किप कर करके देखा गया है सिटी आर से हमेशा पता चल जाता है सो so, प्लीज़ वीडियो को जो है ख़राब मत किया करें वीडियो को फुल वॉच किया करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको थम्स अप लाजमी दिया करें हमारे हौसला अफज़ाई हो जाती है और अगर चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसको भी सब्सक्राइब कर लें और इन मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में अभी कल ये मुझे इजाज़त है अफेज़